दोस्तों आज हम आपको नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में लेके आए हैं। आज हम आपको इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। विश्व में दो पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, एक नेपाल में काठमांडू और दूसरा भारत में मदसौर का है। दोनों ही मंदिर मूर्तियां समान कीर्ति वाली है। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये मंदिर भव्य और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पशुपतिनाथ का अर्थ है कि पशु अर्थात जीवों का प्राणी है, प्रति का अर्थ है कि स्वामी, नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी भगवान हैं पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। मंदिर का इतिहास बताएं तो माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शास्त्रों और असिद्धाता देवता रहे। पशुपत संप्रदाय के मंदिर के निर्माण में कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उपलेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुपेक्ष ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में कराया। जब अप्रैल 2015 आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्भगृह की किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। अगर मंदिर खुलने की बात करें तो ये मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और 5:30 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का समय उत्तम सुबह जल्दी और देर शाम होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट समय लगता है। अगर आप काठमांडू में इस मंदिर में आना चाहते हो, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के पास देवघाट गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर के भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ के रुद्राक्ष की माला है, बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार है कि पशुपतिनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि पांचों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों के परिचय देता है। पूर्व दिशा की ओर बाले मुख को पथ पुरुष और पश्चिम की ओर बाले मुख को सत्याज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर बाले मुख को वाम वेद अध्ययन ऋषिभ कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अगोरा कहते हैं। जो भी मुख ऊपर की ओर है उसे इशार मुख कहा जाता है। इस मंदिर के भगवान शिव मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे हैं। वह 4 दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने शिव जी की बैल नंदी विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल की किया गया है। इस पर परिसर के वैष्णवगण और शैव परंपरा की कोई मंदिर की प्रतिमाएँ हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मानता है कि जो भी व्यक्ति स्थान में दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग से पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वह ऐसा करता है तो अगले जन्म में पशु बनना पड़ता। ये भी माना जाता है कि घंटा आधा घंटा अगर यहाँ पे कोई ध्यान करता है तो उसकी सारी समस्याएं मुक्त हो जाती हैं।